नमस्कार। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। रविवार को आने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहते हैं। रविवार प्रदोष के दिन शिवजी भगवान और सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। रविवार को आने वाला यह प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत करने वाले की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। इससे उम्र बढ़ती है और बीमारियां दूर होती हैं। रविवार को शिव और शक्ति की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है, सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस प्रदोष व्रत से तरक्की मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से हृदय रोग में भी आराम मिलता है। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। रवि प्रदोष व्रत में सूर्य उदय होने से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और किसी भी प्रदोष व्रत में पूजा सुबह शाम दो बार करनी होती है। सुबह पहले गणेश जी और माता पार्वती जी की पूजा करें, फिर शिव जी की करें। इस दिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल और शक्कर डालकर अर्घ्य दें। सारा दिन भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें और पूरा दिन निराहार रहें। प्रदोष काल में फिर से स्नान करके स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहने भगवान शिव को पंचामृत, जिसमें दूध दही घी शहद और शक्कर से स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करें, मतलब 16 प्रकार की चीज़ों से पूजन करें। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पण करें। पूरे शिव परिवार की ही प्रदोष व्रत में पूजा करनी चाहिए। फिर वहीं आसन पर बैठकर ओम नमो शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, कथा पढ़ें या सुने, आरती करें, सूर्य भगवान के भी मंत्रों का जाप करें। रवि प्रदोष व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे घर में और घर के मंदिर में साफ सफाई रखें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान शिव और सूर्य की पूजा करें। सारे व्रत विधान में मन में किसी तरीके का कोई गलत विचार न आने दें। अपने गुरु और पिता के साथ सम्मान पूर्वक बात करें। सारे व्रत विधान में अपने आप को भगवान शिव को समर्पण कर दें। अब मैं आपको भगवान शिव और सूर्य देव को प्रसन्न करने के कुछ उपाय बताती हूँ। यदि सूर्य के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई हो तो 27 लाल गुलाब के फूलों को लाल धागे में पिरोएं और पति पत्नी मिलकर शाम के समय भगवान शिव को अर्पण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। जिन लोगों को सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही हो तो वो रवि प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान करवाएं और गुलाब का इत्र अर्पण करें। इससे सरकारी नौकरी की चिंता और परेशानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जिस किसी को भी सूर्य से संबंधित कोई रोग हो, जैसे हृदय रोग आदि, तो सफ़ेद चंदन में गंगा जल मिलाकर उसका लेप रवि प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव पर करें। आइए आनंद लेते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा का। एक गांव में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी धर्मनिष्ठ थी और प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान करने गया। रास्ते में उसे लुटेरों ने घेर लिया और डराकर पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है, बता हमें। बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि हम अत्यंत निर्धन और दुखी हैं। हमारे पास गुप्त तो क्या,
प्रकट रूप से ही कोई धन नहीं है। लुटेरों ने उसकी यह बात सुनकर उस पर तरस खाकर छोड़ दिया। बालक अपने रास्ते चल दिया। रास्ते में जब वह थक कर चूर हो गया तो एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही लुटेरों को खोजते हुए उसी रास्ते आए। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारागार में डलवा दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात्रि में राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है, यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलाकर घर परिवार के बारे में पूछताछ की और फिर उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण और उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई और वो लोग आनंद से रहने लगे। यह सब शिवजी की कृपा से ही हुआ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। आइए मिलकर बोलते हैं पहले महामृत्युंजय मंत्र और फिर सूर्य मंत्र। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अब बोलते हैं सूर्य मंत्र। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाधुतिम तमोरीम सर्व पापग्नम प्रंतोस्मि दिवाकरम।